बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद जावेद और आज हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट इन पाइथन, यानी हम इनपुट और आउटपुट पाइथन में किस तरह लेते हैं। ठीक है जी, यानी प्रोग्रामिंग को हम इनपुट किस तरह प्रोवाइड करेंगे या प्रोग्रामिंग से हम आउटपुट किस तरह लेते हैं। सो देखते हैं ज़रा, सबसे पहले डिस्कस करते पाइथन आउटपुट। सो प्रिंट स्टेटमेंट को हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले के लिए कि जी हम आउटपुट स्क्रीन पर लेना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि जी हमारा आउटपुट किसी डिवाइस की तरफ या किसी फाइल की तरफ चला जाए। यानी बाज़ अवकात हम चाहते हैं कि जी हमारा जो आउटपुट है ना या जो रिज़ल्ट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले ना हो बल्कि किसी फाइल में सेव हो जाए, तो इनके लिए हम क्या करते हैं प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं या प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। सो मोस्ट कॉमन फंक्शन है या स्टेटमेंट है डिस्प्ले के लिए। इसका ज़रा सिंटैक्स देखते हैं, प्रिंट फिर इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कामा, ये इनके वो है पैरामीटर्स है सेपरेटर्स एंड फाइल और फ्लश। इसमें जो मैंडेटरी है कंपलसरी है वो क्या है ऑब्जेक्ट्स है, बाकी जो रिमेनिंग है सेपरेटर है एंड है या फाइल है या फ्लश है ये सारे क्या है ऑप्शंस है। तो हम ज़रा इसको बिल्कुल फ्रॉम बिगिनिंग से देखते हैं और एडवांस लेवल पर उसको ले जाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या ऑब्जेक्ट्स को। Objects are the values to be printed on the screen that are converted to string before getting printed. So ये वो values होती है जो कि हम print function की मदद से क्या करते हैं display करते हैं। चलिए ज़रा देखते हैं इसको। ये मैंने open किया, ठीक है जी भाई चार editor मैंने open कर दिया इसका। मैं बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ, जो मतलब बेसिक्स जो हमारे छोटे छोटे फंक्शन होते हैं ना उससे करवा रहा हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं इनको भी समझ में आ जाए। तो उससे ये पहले जो पॉइंट्स हैं ये बिगिनर के लिए, फिर हमारे साथ से एडवांस लेवल वर्स के लिए जाते हैं। तो देखो मैं लिखता हूँ प्रिंट डबल कोट के अंदर एक स्ट्रिंग डिस्प्ले करता हूँ। सपोज लिखता हूँ हेलो, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग को सिंगल कोट डबल कोट बंद कर सकते हैं, रन इसका लेता हूँ, राइट क्लिक कर दे और प्रोग्राम का नाम हमारा क्या है इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट पाइथन है। तो यहाँ से मैं ये लेता हूँ, नज़र आ रहा है आपको ये रन किया मैंने, ये गौर से देखिए रिजल्ट का हेलो। इस तरह हमने क्या कर दिया, सॉरी यार मेरा इस तरह हमने क्या कर दिया एक प्रिंट आउट ले लिया स्ट्रिंग का। अब हम चाहते हैं कि जी किसी वेरिएबल वैल्यू रखते हैं और इसको प्रिंट आउट लेते हैं इसका, ठीक है। देखते हैं जरा एक वेरिएबल लेता हूँ सपोज एक्स, एक्स में डालता हूँ क्या 900 और मैं चाहता हूँ ये डिस्प्ले हो जाए और साथ ही मैसेज भी डिस्प्ले हो जाए। मैसेज से पहले जरा इसको देखते हैं एक्स की वैल्यू को। तो प्रिंट के अंदर मैं लिखता हूँ क्या एक्स और रन करते हैं इसको, ये रन यहाँ से भी हम ले सकते हैं इसको, देखो नज़र आ रहा है रिजल्ट में 900, ठीक है जी। हम चाहते हैं कि जी एक्स के साथ मैसेज आ जाए कि वैल्यू ऑफ एक्स या वट एवर जो भी है, तो डबल कोट के अंदर मैसेज लिखते हैं वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल, यानी हमारे पास मैसेज आ गया, फिर कामा डाल के हम वेरिएबल दे देंगे ये वेरिएबल, रन करते हैं ये रन, गौर से देखिए रिजल्ट को वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल 900। तो ये था हमारा एक सिंपल सा यूज़ इसका कि जी हम इसको किस तरह सिंपल यूज़ कर सकते हैं। अब ज़रा कोशिश करते हैं ज़रा डीप ले जाते इसको कि हमारे थोड़ी सी इसमें स्किल आ जाए। एक हमारे पास है सेपरेटर ऑप्शन है, ठीक है जी। आपके पास कुछ स्ट्रिंग्स होते हैं या दो स्ट्रिंग्स होते हैं तीन स्ट्रिंग्स होते हैं, ठीक है जी। उसमें आप बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेस आता है वो क्या होता है वो ब्लैंक स्पेस होता है, ठीक है जी। हम इनको चेंज कर सकते हैं, इनकी जगह कुछ और ला सकते हैं। ये मैं पहले समझा दूँ फिर प्रैक्टिकल की तरफ आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एंड है, एंड भी क्या है ऑप्शन है। जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि जी आप दो स्ट्रिंग के दरमियान क्या करते हो, जब दो स्ट्रिंग यूज़ करते हो तो दो या तीन स्ट्रिंग यूज़ करते हो तो बाई डिफ़ॉल्ट वो क्या होंगी एक लाइन दूसरी लाइन और तीसरी लाइन पर यूज़ हो चुकी होंगी, यानी एंड यूज़ हो चुका होगा और एंड के साथ जो वैल्यू यूज़ होगी ना वो बैक स्लैश एंड यूज़ हो चुकी होगी। यानी ये पैरामीटर बाई डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है कब, जब आप एक से ज़्यादा स्ट्रिंग यूज़ करते हो, राइट। और इसकी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी बैक स्लैश एंड होगी। फिर इसी तरह हमारे पास एक फाइल ऑप्शन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आसान एग्जाम्पल के साथ, ठीक है जी। बाज़ अवकात हमारे माइंड क्या होता है, हमारा माइंड ये होता है कि जी हम अपना आउटपुट जो है ना वो फाइल में रखना चाहते हैं बनिस्बत ये कि हम उसको डिस्प्ले करें कहाँ पर स्क्रीन पर, तो इसके लिए हम फाइल को यूज़ करते हैं। इस तरह हमारे पास एक फ्लश पैरामीटर ऑप्शन है, ये करता क्या है
इनकी मदद से बाई डिफ़ॉल्ट चाहिए ऑफ होता है, ठीक है जी। ये देखिए बाई डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ऑफ होता है, फॉल्स होता है। सो पाइथन में क्या है, जो आउटपुट प्रिंट से जाता है कहाँ पर जाता है, बफर की तरफ चला जाता है। हम बफर को क्या करना चाहते हैं, फ्लश करना चाहते हैं, तो इनके लिए हम फ्लश पैरामीटर को यूज़ करते हैं। इसकी छोटी छोटी सी डिफिनीशंस थी, आप इसको डिटेल में फिर देख सकते हैं। अब मैं आता हूँ एक छोटे छोटे एग्जाम्पल करता हूँ। पहला एग्जाम्पल हम इसका करते हैं कौन सा, सेपरेटर का, ठीक है जी। सेपरेटर मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, मैं यहाँ पर आपको प्रोग्राम में करके दिखा देता हूँ। मैं इनके साथ लिख भी लेता हूँ कि पता लगे यूज़ ऑफ कौन सा, सेपरेटर पैरामीटर्स। किस तरह यूज करते हैं देखिए जरा, मैंने यहाँ पर एक सिंपल सा मैसेज लिख दिया हेलो, और से देखते जैसे हेलो का मैसेज लिख दिया। अब इन रन करता हूँ, जरा देखते हैं कि आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, ठीक है जी। रन किया मैंने, ये देखिए हेलो आ रहा है। अब मैं इनके साथ एक और स्ट्रिंग लगा लेता हूँ, यहाँ पर कामा डाल के मैं कहता हूँ रिवल कोड में हाउ आर यू, रन करते ज़रा। ये रन किया, ये देखिए हेलो एक स्ट्रिंग और फिर हाउ आर यू दूसरा स्ट्रिंग। अब हेलो और हाउ आर यू में अगर बीच में देख लें स्पेस आ रहा है, ये बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होता है। हम चाहते हैं कि जी ये जो सेपरेटर है ना, एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से जुदा कर रहे ना, इसमें हम क्या लाना चाहते हैं, कुछ और लाना चाहते हैं। देखो कामा डाल के हम यूज़ करते हैं किसको, सेपरेटर को। सॉरी यार, ये माउस गिर गया था, ये माउस बार बार गिरता है। ओके जी, कामा देखिए ज़रा, एस ई पी इक्वल डाल के आप सिंगल कोड के अंदर कोई भी वैल्यू, कोई भी करेक्टर डाल दे, वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाता है। सपोज़ मैं डालता हूँ 3 आईफन डालता हूँ। रन करते हैं ज़रा, देखे ये रन किया, ये देखे हेलो और हाउ आर यू के अंदर मैंने अगर आप गौर से देखे, ये क्या नज़र आ रहा है आपको, 3 डैश या हाइफन नज़र आ रहा है। आप यहाँ पर कुछ कुछ और करेक्टर डाल दे, वो आ जाएंगे। मैं डालता हूँ स्टेरिक, ये 3 स्टेरिक में डाल दे, 3 डालते हो 4 डालते हो कि अपनी मर्जी। ये देखें हेलो, रिजल्ट ज़रा देखें हेलो, और बीच में देख नज़र आ रहा है आपको, एक स्ट्रिंग के दूसरे स्ट्रिंग की मदद से। ये बेशक आप तीसरे स्ट्रिंग में डाल दे, कामा डाल के मैं एक और स्ट्रिंग डालता हूँ, डबल कोट के अंदर बाय बाय लिखता हूँ, ये बाय बाय मैंने लिख दिया। तो देखो अब 3 स्ट्रिंग है, और 3 स्ट्रिंग के बीच में आपको क्या नज़र आएंगे, ये नज़र आएंगे ये स्टेरिक, 3 स्टेरिक्स देख रहे हो। ये था हमारे पास क्या, सेपरेटर। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है ना, वो क्या है, वो एंड है। ज़रा एंड में आपको दिखा देता हूँ, ओके जी, ये रहा हमारे पास एंड, ठीक है जी। इसको ज़रा देखते हैं, यूज़ ऑफ किसका, एंड सेपरेटर का। अच्छा मैं इन स्ट्रिंग को ज़रा काट देता हूँ, हमारा ज़रा टाइम बच जाएगा। ये एक स्ट्रिंग, फिर लिखता हूँ प्रिंट, दूसरा स्ट्रिंग लिखता हूँ क्या, हाउ आर यू लिखता हूँ, और से देखे हाउ आर यू मैंने लिख दिया, और तीसरा हटा देता हूँ, ठीक है जी। बस दो काफ़ी है मेरे लिए। अब मैंने यहाँ पर एंड पैरामीटर यूज़ नहीं किया है, लेकिन देखते क्या होता है। रन किया, और से देखे एक लाइन पर एक स्ट्रिंग, जिस तरह देखो हेलो, और फिर नेक्स्ट लाइन पर हाउ आर यू जो है ना, वो देखे हाउ आर यू नेक्स्ट लाइन पर है। ये हम चाहते कि नहीं जी, हम एंड पैरामीटर की मदद से ये नेक्स्ट लाइन पर नेक्स्ट लाइन चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस सेम लाइन पर आ जाए, तो आप यूज़ कर सकते हैं। देखें हेलो के बाद कामा और फिर क्या एंड, और एंड के इक्वल करके सिंगल कोड के अंदर जो इनके स्केप सीक्वेंस यूज़ होते हैं, सपोज एक है बैक स्लैश टी एक टेप, फिर मैं कहता हूँ बैक स्लैश टी दूसरा टेप, बैक स्लैश टी तीसरा टेप। अब 3 टैब ये ओरिजिनली देगा, और फिर इसके बाद हाउ आर यू डिस्प्ले हो जाएगा। देखते ज़रा और से देखें, ये हेलो आउटपुट देख रहे, और ये बीच में जो स्पेस नज़र आ रहा है ओरिजिनली, ये देखें एक सेम ही लाइन पर, आप और से देखें यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद क्या हमारे पास हाउ आर यू का स्ट्रिंग नज़र आ रहा है। आई होप कि आप एंड को थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास जो
फाइल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अच्छा आपको आना चाहिए। अक्सर आपसे प्रैक्टिकल में इसके बारे में पूछते हैं। सो बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, हम प्रिंट की मदद से अपने आउटपुट को सेंड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं किसकी तरफ, किसी फाइल की तरफ डायरेक्ट करते हैं। ठीक है जी, जरा इसका तरीका देखें। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है जी, फंक्शन की मदद से, ओपन फंक्शन की मदद से फाइल को ओपन करते हैं। फाइल को ओपन करने के दो मोड आपके पास होते हैं, एक W और दूसरा A मोड होता है, अपेंड मोड। W की मदद से मतलब राइट मोड होता है, फाइल बन जाता है और उसमें डेटा स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर फाइल ओपन करोगे तो पुराना डेटा क्या होगा, ओवर राइट होगा, ख़त्म हो जाता है, नया डेटा आ जाता है। और अपेंड की मदद से क्या होगा, अगर आप अपेंड मोड यूज़ करते हैं यानी ए मोड यूज़ करते हो तो क्या होगा, फाइल बन जाता है और फिर उसमें पुराना डेटा भी रहेगा और साथ ही नया डेटा इसके एंड में ऐड हो जाता है। राइट, मैं एग्जांपल के तौर पर एक टेक्स्ट फाइल बना दूंगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको पता लगे। अच्छा, ये इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको थोड़ी देर बाद डिस्कस कर देंगे। मैं आता हूँ, चलो पहले इसको डिस्कस करते हैं फिर वहाँ पर चले जाएंगे। राइट, विथ ओपन, फिर आप किस लोकेशन में फाइल बना रहे हो वो लोकेशन। ठीक है जी, और फिर इसके बाद फाइल का नाम किस नाम से, यहाँ पर ए लिखा गया है यानी अपेंड मोड, और ए एस एफ, एफ इसका क्या है, पॉइंटर वेरिएबल है यानी इस लोकेशन को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। फिर हम प्रिंट यूज़ करते हैं और कुछ स्ट्रिंग डालते हैं। ठीक है, सपोज़ ये स्ट्रिंग मैंने इसमें लिख दिया है और फिर कामा एफ, और एफ में क्या, ये पॉइंटर वेरिएबल, तो ये डेटा क्या हो जाएगा, इस फाइल को चला जाता है। ओके जी, देखते हैं ज़रा, मैं आता हूँ सी में। ठीक है जी, सी में एक फोल्डर बनाता हूँ आपके सामने, एक फोल्डर बनाता हूँ सपोज डेमो नाम से, डेमो, और डेमो को ओपन करके देखते हैं कुछ है, अभी बना लिया कुछ भी नहीं होगा। राइट, देखो कुछ भी नहीं है, इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ और आते हैं यहाँ पर इसकी तरफ। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं कौन सा पैरामीटर, फाइल पैरामीटर, तो मैं लिखता हूँ क्या, यूज़ आ फाइल पैरामीटर और विथ ओपन, इसके अंदर क्या, लोकेशन। ठीक है, लोकेशन के लिए आप सिंगल कोड डबल कोड दोनों यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर अपने फाइल को सेव करके रखना है। तो मैं फ़िलहाल डबल कोड यूज़ करता हूँ, सिंगल कोड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कहता हूँ सी फुल कोलन बैक स्लैश, एक फोल्डर है डेमो, बैक स्लैश, उसमें यहाँ पर आप फाइल का नाम देंगे। अच्छा, सपोज कहता हूँ टेस्ट डॉट टी एक्स टी, ये फाइल बनाओ, कामा डाल के मैं कहता हूँ क्या, कौन सा मोड, मोड इसको मैं बताता हूँ, डबल कोड के अंदर लिख देंगे, फिलहाल मैं राइट मोड लिखता हूँ, क्या हमें पता लगे, स्पेस एज स्पेस, फिर इसके बाद पॉइंटर वेरिएबल, इन केस मैं एफ ही लिख लेता हूँ, फुल कोलन, इंटर करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं लिखता हूँ प्रिंट, डबल कोड के अंदर एक मैसेज लिखता हूँ सपोज हेलो कामा, और यूज़ करता हूँ फाइल पैरामीटर इक्वल, उसमें डाल दूंगा क्या, एफ। राइट, तो ये हो करेगा, ये हेलो का जो स्ट्रिंग है ना, ये इस फाइल में डाल देगा, ये फाइल बन जाएगी उसमें डाल देगा। देखते ज़रा, रन करते, रन किया, आते हैं यहाँ पर चेक करते, देखो ये डेमो, डेमो में टेस्ट बन गया है, और इस पर डबल क्लिक करते हैं और से देखो हेलो नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ और टेक्स्ट देखते हैं ज़रा इसमें। मैं हेलो की जगह लिखता हूँ हाउ आर यू, डबल कोड के अंदर लिखता हूँ हाउ आर यू। अब होगा क्या, हमारे हमने चूंकि इसको किस मोड में ओपन किया है, हमने इसको ओपन किया है राइट मोड में, तो याद रखे ये पुराना जो हेलो था वो ओवरराइड हो जाएगा, उसकी जगह क्या जाएगा, हाउ आर यू नजर आएगा। देखते हैं ज़रा, रन करते, ओपन करता हूँ फोल्डर को, डेमो का फोल्डर, देखो डेमो का फोल्डर, उसमें टेस्ट, ये देखो हाउ आर यू नज़र आ रहा है, यानी हेलो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, उसकी जगह ये टेक्स्ट आ गया। हम चाहते हैं कि नहीं जी, पुराना टेक्स्ट में मौजूद रहे और नया टेक्स्ट इनके साथ क्या हो जाए, ऐड हो जाए, अपेंड हो जाए, मतलब इसके आखिर में आ जाए। तो देखते ज़रा इसको भी, आप सिंपली क्या कर दें, ये डब्ल्यू दिया गया ना, इसको हटा दें, उसकी जगह क्या डाल दें, ए लिख दें, ए। अभी क्या करेगा, इसी फाइल को किस मोड में ओपन करेगा, अपेंड मोड में,
और देखो हमने पहले रन किया था ना तो उसमें क्या मौजूद था, हाउएवर ये मौजूद था ना, अब हम क्या करते हैं कुछ और टेक्स्ट डालते हैं। दिस इज टेस्ट फॉर फाइल पैरामीटर्स, राइट, और एग्जीक्यूट करते हैं। अब आकर देखते जरा, देखो डेमो वाली फाइल, डेमो फोल्डर, उसमें टेस्ट फाइल और से देखे हाउ आर यू मौजूद है, हाउ आर यू पहले से मौजूद है ना, ठीक है, और साथ ही क्या इसमें आ गया, दिस इज टेस्ट फॉर द फाइल पैरामीटर्स। ओके जी, आई होप कि आपने थोड़ा बहुत यहाँ पर गेन किया होगा इसमें से। अच्छा मजीद देखते हैं क्या इसमें हमारे पास, अच्छा वो थे हमारे पास जो पैरामीटर थे आउटपुट थे, आउटपुट के पैरामीटर थे। अब थोड़ा सा वो डिस्कस करते हैं इनपुट की जी, हम रन टाइम जब प्रोग्राम रन हो रहा हो उस दौरान हम इनपुट किस तरह दे सकते हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं इनपुट का फंक्शन यूज़ करते हैं, और प्रॉम्प्ट यानी मैसेज हम दे सकते हैं जो कि ऑप्शन हो सकता है, देना चाहे वेल नहीं देना चाहे कोई इशू नहीं, लेकिन कोशिश करें कि दिया करें। अच्छा इनपुट के ज़रिए हम जो भी वैल्यू देंगे ये इसको क्या तसव्वुर करता है, स्ट्रिंग तसव्वुर करता है। तो अगर आपने कोई कैलकुलेशन करनी है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इनकी टाइप कास्टिंग करेंगे। ज़रा देखते हैं ज़रा इसको भी, यूज ऑफ किन का इनपुट स्टेटमेंट, यूज ऑफ किसका इनपुट स्टेटमेंट का या इनपुट फंक्शन का, स्टेटमेंट का किस तरह होता है जरा देखते हैं। मैं लिखता हूं एक वेरिएबल लेता हूं, सपोज ए लेता हूं इक्वल इनपुट, डबल कोट के अंदर लिखता हूँ क्या, इंटर एनी नंबर, नंबर में इंटर कर दूंगा और किस में स्टोर हो जाएगा, ए में स्टोर हो जाएगा, और फिर चेक करने के लिए कि वाकई इस ए में जो वैल्यू हमने इंटर की है मौजूद है कि नहीं, तो हम प्रिंट आउट लेते हैं इसका। मैं कहता हूँ प्रिंट करो, किसको, ए को प्रिंट करो, देखते हैं जरा रन किया मैंने। देखो यहाँ पर मुझसे पूछ रहे ये होस्ट नजर आ रहा है, देखो ये यहाँ पर इंटर एनी नंबर, तो आप यहाँ पर कोई भी नंबर टाइप कर दे, सपोज मैं टाइप करता हूँ 700, जो इंटर करूँगा तो वो ए में स्टोर हो जाएगा और फिर प्रिंट की मद से ए की वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए नजर आ रहा है आपको, ये 700। अच्छा जिस तरह मैंने शुरू में कहा था इस इनपुट के शुरू में कि जी इनकी मद से हम जो भी वैल्यू देंगे वो क्या होगी, ये इसका क्या तस्वर करता है, ये इनको स्ट्रिंग तस्वर करता है, ठीक है जी। तो स्ट्रिंग से बचने के लिए कि हम चाहते हैं कि जी इनके साथ हमने कैलकुलेशन करनी है, फिर हम इसकी क्या करते हैं, टाइप कास्टिंग करती है, टाइप कास्टिंग हमें इसकी करनी पड़ती है। बाहर जरा एक नज़र भी देखते हैं हम इसको, प्रिंट करो किसको, टाइप प्रिंट करो किसका, ए का। तो अब यहाँ से हमारा शक भी दूर हो जाएगा कि वाकई ये वो है कि नहीं, ठीक है, ये मैं वैल्यू दे रहा हूँ 800, ये देखिए 800 डिस्प्ले हो गई और साथ इसकी क्लास डिस्प्ले हो रही है क्या, स्ट्रिंग, यानी 800 हमने जो एंटर किया है क्या है, ये हमारे लिए स्ट्रिंग है, राइट। अब हम सिंपल वैल्यू को चेक करते हैं और देते हैं कि वो टाइप कास्टिंग यहाँ पर किस तरह परफॉर्म की जाती है, ठीक, जस्ट मुझे एक सिर्फ एक मिनट दे दे। ओके जी, अच्छा चलो देखते हैं इसको भी। मैं कहता हूँ ए इक्वल इनपुट, डबल कोट के अंदर लिखता हूँ एंटर फर्स्ट वैल्यू, फिर इसके बाद इसको कहता हूँ इंटर सेकंड वैल्यू, ठीक है जी, कॉपी करता हूँ जरा टाइम बचाने के लिए, कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी करता हूँ और इसकी जगह क्या लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, इंटर सेकंड वैल्यू, इसके बाद
इन दोनों को जमा करता हूँ, सपोज सी इक्वल ए प्लस बी करता हूँ, और फिर कहता हूँ प्रिंट करो। किसको प्रिंट करो? सी को। चलो देखते हैं। अच्छा ये रन किया मैंने, और से देखें यहाँ पर इंटर फर्स्ट वैल्यू, सपोज दे रहा हूँ 10, इंटर फिर इंटर सेकंड वैल्यू, नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पर दे रहा हूँ 20। अब देखो हमने टाइप कास्टिंग नहीं की हुई है ना, तो मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि ये इनको स्ट्रिंग तस्वर कर रहे हैं, तो ये 10, 20 अब एड नहीं होगा बल्कि क्या होगा? कंकेटिनेट होगा, और यहाँ पर हमें ये 10, 20 का 10 नजर आएगा। और से देखे ये रिजल्ट देख ले, 10, 20 नज़र आ रहा है ना यहाँ पर, ठीक है जी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जी हम इनपुट की मद से जो कुछ देंगे ना वो इसको स्ट्रिंग लेता है, तो हम क्या करते हैं इसकी टाइप कास्टिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, और ये ब्रैकेट स्टार्ट किया, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ। ये एक की टाइप कास्टिंग हो गई। टाइप कास्टिंग का टेक्निक मैं शुरू शुरू में डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा ये दूसरे की करते हैं इंट, और ये ठीक है जी। अब दोबारा इसको रन करके देखते हैं, रन करता हूँ, अब देखो वही वैल्यू दोबारा दे रहा हूँ 10, इंटर फर्स्ट वैल्यू, इंटर सेकंड वैल्यू के लिए 20 दे रहा हूँ, नज़र आ रहा है ना ये वैल्यूज़, और से देखें ज़रा। ओके जी इंटर करते हैं, ये लीजिए अब देखो अब 30 नज़र आ रहा है, क्यों? इनकी टाइप कास्टिंग हो गई, ठीक है जी। सो ये था हमारा का टॉपिक, हमने थोड़ी बहुत डिस्कस किए इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग में। और हाँ आपके जिसमें कोई क्वेश्चंस है, कोई क्यूरी है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई इन ईमेल एड्रेसेस पर। अगर आपको नोट्स चाहिए तब भी आप मुझे किसी हेजिटेशन के आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको नोट्स अरेंज हो जाएंगे। थैंक यू जी।